हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत मेरे चैनल में। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े धोने के लिए। हमारे यहाँ दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिस कारण से धूप नहीं निकल रही थी। धूप नहीं निकलने के कारण कपड़े सुखाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन आज धूप अच्छी निकली है। लेकिन ये धूप ना रुक नहीं रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, मतलब कभी धूप हो जा रहा था कभी छांव हो जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं छत पे कपड़े धो लेती हूँ और यहीं छत पे कपड़ों को सूखने के लिए डाल दूँगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि बालकनी में पता नहीं कब तक धूप आएगी। बालकनी में धूप आने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे भी बालकनी में बहुत सारे कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं। कल ही मैंने डाला था सूखने के लिए, लेकिन नहीं सूखे अभी तक अच्छे से, इसलिए मैंने बालकनी में ही छोड़ दिया है। जब धूप आएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद उठा कर रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं कपड़ों को धो लेती हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। मेरे पास मशीन नहीं है कपड़े धोने वाला, इसलिए मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है हाथ से कपड़े धोने में। वैसे भी कहीं आना जाना तो है नहीं, घर में ही सारा दिन रहना है तो किसी तरह से टाइम पास तो करना ही है, तो इसलिए हाथ से ही कपड़े धो लेती हूँ। और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाता है हाथ से कपड़े धोने से। मशीन से मुझे आता नहीं है कपड़े धोना, मैंने कभी यूज ही नहीं किया है और मेरे पास है भी नहीं। जब होगा तब देखा जाएगा, सीख लूँगी, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हाथ से ही धो रही हूँ कपड़े। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं कपड़े धो लेती हूँ। और ये देखिए, अभी मेरी बेटी भी मुझे ढूंढते हुए छत पे आ गई है। ये जब घर में रहती है ना तो हमेशा मुझे ढूंढते ही रहती है। इसको लगता है ना कि मैं हमेशा इसके नज़रों के सामने ही रहूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, काम भी तो करना होता है। तब ये नीचे टीवी देख रही थी और मैं आ गई थी छत पे कपड़े धोने के लिए, लेकिन मैंने इसको बताया नहीं था। जब मैं इसको नीचे नहीं दिखी ना तो ढूंढते हुए छत पे आ गई, और अभी ये नीचे गई है पापा के जूते लाने के लिए, जूतों को साफ़ करना है। तो देखिए, जूते ले आई है और अभी जूतों का फीता निकाल रही है और मैं कपड़े धो रही हूँ। आज ये घर में है ना तो आज मेरे काम में ये हाथ बटा रही है। आज संडे है, मतलब ये ब्लॉग है संडे का, लेकिन मैं मंगलवार को अपलोड करूँगी इसको। थोड़ा सा लेट हो जाएगा अपलोड करने में, क्योंकि आज मैंने अपना एक ब्लॉग डाला है तो एक दिन मैं छोड़ के ही डालती हूँ। फिलहाल अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट करके डाल रही हूँ, क्या करूँ। कभी कभी मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का, और क्या बनाए समझ में नहीं आता है। घर में वही डेली घर की साफ़ सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं और क्या दिखाए। तो इसलिए मेरा मन कभी कभी हट जाता है, ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर सोचते हैं चलो भाई बना लेती हूँ, घर में बैठे बैठे क्या करूँ। तो अभी मैं कपड़े धो रही हूँ बच्चों के, ये स्कूल के कपड़े हैं तो इनको मैं अच्छे से पहले धो दे रही हूँ, उसके बाद फिर बाकी कपड़ों को धोऊँगी। और ऐसा फीता निकालने में लगी हुई है।
सारे कपड़े धुल गए हैं, मैंने सूखने के लिए डाल दिया है, और इधर जूते भी साफ़ करके सूखने के लिए डाल दी हूँ, और इधर आयशा भी नहा ली है, नहा करके बैठ गई आराम से, और अब चलती हूँ नहाने के लिए। अच्छा कपड़े पहन ली, ये देखिए आयशा खुद कपड़े पहन के लेट गई है यहाँ पे, पहन ली। तो अब जाके मेरा सारा काम समाप्त हुआ है, नहाना धोना सब हो गया है, और ये कपड़े ना कल से यहाँ पे सूखने के लिए डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक ढंग से नहीं सूखे हैं, क्योंकि कल ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, पूरे दिन बारिश हो रही थी, और रात में भी पूरी रात बारिश हुई है। आज सुबह 8 बजे तक बारिश हुई है, 2 दिन बारिश हुई, लेकिन फिर भी जैसे ही धूप निकली ना उमस वाली गर्मी होने लगी है। और इस वीडियो में यही समाप्त करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।